हेलो फ्रेंड्स, AIS एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इग्नू के रीजनल सेंटर शिमला के दिसंबर 2020 टर्म एंड एग्जामिनेशन, यानी कि अभी जो सितंबर में असाइनमेंट सबमिट होने जा रहे हैं, उनके असाइनमेंट सबमिशन के प्रोसेस, मोड और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के बारे में कम्प्लीट डिटेल्स मैं अभी आप लोगों को बताऊँगा। तो इसमें शिमला रीजनल सेंटर के सभी स्टूडेंट्स हमारे साथ बने रहें। कम्प्लीट डिटेल्स जानने के लिए वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें, लेकिन उससे पहले जो भी स्टूडेंट्स हमारा चैनल AIS एजुकेशन पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो आप लोगों तक पहुंच सके। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सितंबर में अभी असाइनमेंट सबमिशन स्टार्ट हो चुका है दिसंबर 2020 टर्म एंड एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट मेल दिखाता हूँ जो मैंने रीजनल सेंटर से कॉन्टैक्ट किया था। उन्होंने जो मोड बताया है वो बताया कि आपको अपने असाइनमेंट, आप देख सकते हैं, RC शिमला से असाइनमेंट इन हार्ड कॉपी आर टू बी सबमिटेड एट द स्टडी सेंटर। तो इसमें यही बताया गया है कि आप लोगों को अपने असाइनमेंट हार्ड कॉपी में आपको अपने स्टडी सेंटर पर सबमिट करने हैं। तो क्लियर इंस्ट्रक्शंस रीजनल सेंटर शिमला के द्वारा दी गई है। तो सबसे पहले कि आप लोग अपने असाइनमेंट रेडी कर लें, लिख लें, नीट एंड क्लीन असाइनमेंट बना लें अपने, ताकि आप शॉर्ट नोटिस पे, नोटिस तो अभी इसमें वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अभी अगर आपका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट गवर्नमेंट में अलाउ किया है बाहर जाना, तो आप लोग जाके अभी सबमिट कर सकते हैं। अदरवाइज 21 सितंबर से तो स्कूल भी 9th एंड 12th के खुल रहे हैं, 9th से 12th के, तो कॉलेज तो खुल ही जाएंगे तब तक। तो आप लोग अकॉर्डिंगली अपने नियर बाई जो भी आपके स्टडी सेंटर्स हैं जहाँ पे आप इनरोल्ड हैं वहाँ पे पता कर लें। तो उसके लिए स्टडी सेंटर का जो एड्रेस है और ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर आप लोगों को दिखा देता हूँ कि आपको कैसे मिलेगा, ताकि आप लोगों को कोई भी इसमें परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो स्टडी सेंटर में आप जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और जान पहले इस पर आप मेल करके भी पूछ सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है तो। अदरवाइज़ आप जाने के बाद तो आप वहाँ से उसमें डिटेल्स ले पाएंगे। तो अभी स्टडी सेंटर्स की जो लिस्ट है विद फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख दे रहा हूँ, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप स्टडी सेंटर इजीली डाउनलोड कर पाएंगे। और अभी असाइनमेंट सबमिशन हार्ड कॉपी में ही होगा रीजनल सेंटर शिमला के लिए। तो आप लोग अपने स्टडी सेंटर में कॉन्टैक्ट करें और शिमला रीजनल सेंटर के स्टूडेंट अपने असाइनमेंट एट द अर्लीस्ट सबमिट करें। अभी तक जो लास्ट डेट निर्धारित होती है सितंबर होती है, लेकिन जैसा कि देखा जा रहा है कि पिछले तीन से चार सेशन से लगातार लास्ट डेट बढ़ाई जा रही है, तो इस बार भी आप ज़रूर बढ़ेगी उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आउट होता है हम इस पर कुछ भी कमेंट नहीं करेंगे। तो आप लोग अपने असाइनमेंट एट द अर्लीस्ट बना करके सितंबर के महीने में ही सबमिट करने की कोशिश करें, ताकि आप लोगों को कोई भी परेशानी ना हो और आपके असाइनमेंट एवेल्यूशन पर्पज़ के लिए टाइमली जमा हो सकें। तो अभी जो कंप्लीट डिटेल्स मैंने एक्सप्लेन की है ये है रीजनल सेंटर शिमला की। तो असाइनमेंट कैसे बनाना है और किस प्रकार आप असाइनमेंट बनाएं कि आपके अच्छे मार्क्स स्कोर हो सकें, ये वीडियोज़ मैं बना चुका हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इसके साथ ही आपको कौन सा असाइनमेंट बनाना है, क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करने हैं और असाइनमेंट आपको 2019-20 बनाना है या 20-21, ये कोर्स वाइज वीडियोस बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग रेफर कर सकते हैं। और आप लोग हमारे मैं टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे रहा हूँ, जिस पर इग्नू के सारे अपडेट इमीडिएटली पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी हमें फॉलो करें। तो डिटेल्स थी हमारे इग्नू के रीजनल सेंटर शिमला की। फर्दर कोई नया अपडेट आएगा तो मैं आपको उसके नोटिफाई करता रहूँगा। और ये जब मैं वीडियो आज 9 सितंबर 2020 को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आज की डेट में जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन हमने इग्नू रीजनल सेंटर शिमला से प्राप्त की है वो मैंने आप लोगों तक इसमें पहुँचा दी है। तो आप लोग अपने असाइनमेंट एट द अर्लीस्ट कंप्लीट करके अपने स्टडी सेंटर पर जमा करें। ये डिटेल्स थी रीजनल सेंटर शिमला की।